तो फाइनली सैमसंग ने S22 सीरीज के लिए जो वन UI 6.1 का अपडेट है AI फीचर्स के साथ वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट फाइल साइज की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3210 MB का अपडेट है। अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है और यहाँ पर वन UI वर्जन 6.1 है और गैलेक्सी AI इज हेयर। यहाँ पर AI के सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेट जो कॉल आप ट्रांसलेट करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर AI के काफ़ी सारे फीचर्स फोटो एडिटर में ऐड किए गए हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं दोस्तों, सभी कंप्लीट फीचर्स दे दिए गए हैं। तो ये जो अपडेट है 3 मई को रिलीज किया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण अपडेट को फिर 4 मई को रोक दिया गया था और फाइनली अब जो है वन UI 6.1 का अपडेट फिर से रिज्यूम कर दिया गया है साउथ कोरिया के अंदर। इसके अलावा सैमसंग ने यूरोप में भी S22 सीरीज के लिए जो अपडेट है वन UI 6.1 का वो भी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है अब अपडेट और भी कुछ कंट्रीज में, तो नेक्स्ट वीक जो है वो इंडिया में भी अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। बात करें डेट की तो 11 से लेकर 15 मई तक सैमसंग कभी भी अपडेट रिलीज कर सकता है और सभी AI के फीचर्स के साथ। इसके अलावा S21 सीरीज, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3, इन सभी डिवाइसेस को भी अपडेट मिलेगा दोस्तों, और A सीरीज को भी इसी मंथ अपडेट मिलने वाला है। तो जैसे ही और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।